और अब बात केदारनाथ हाईवे पर हुए दर्दनाक हादसे की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार चारधाम यात्रा पर मौसम की मार पड़ी है। उत्तराखंड में केदारनाथ हाईवे के नाम से प्रसिद्ध सोनप्रयाग मुनकटिया के बीच भूस्खलन हुआ। रुद्रप्रयाग में हुए इस हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो चुकी है और 2 लोग घायल हैं। मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जिनके शव मलबे से निकाले गए। रेस्क्यू के दौरान बरामद हुए शवों की पहचान कर ली गई। मरने वालों में मध्य प्रदेश, गुजरात और नेपाल के श्रद्धालु शामिल हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। लैंडस्लाइड भारी बारिश के चलते सोमवार रात को हुआ, जिसके बाद से राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होने के कारण वहां से गुजर रहे यात्री भूस्खलन की चपेट में आ गए। त्वरित रेस्क्यू टीमों द्वारा 5 मृतकों और 3 घायलों को निकाला गया, जिन्हें की आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। श्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रियों से अपील की जाती है कि वह मौसम खराब होने पर 6 बजे के बाद अपनी सुरक्षा को देखते हुए आगे की यात्रा करें। उत्तराखंड के केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मुनकटिया के पास भूस्खलन के बाद एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम की तरफ से रेस्क्यू लगातार जारी है। उधर सीएम धामी ने भी इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। सीएम धामी ने लिखा है, सोनप्रयाग मुनकटिया के बीच मलबा आने से कुछ यात्रियों के दबे होने से अत्यंत दुखद है ये पूरा घटनाक्रम और इसकी सूचना मुझे मिली है। स्वयं संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हूं और रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। बाबा केदार से यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं। सीएम धाबी ने कहा कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और सरकार की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। लैंडस्लाइड में घायल यात्रियों को इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से सोनप्रयाग भिजवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उधर मलबे में कई अन्य यात्रियों के दबे होने की आशंका है, जिनके लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। भूस्खलन से बाधित सड़क को पैदल यात्रा के लिए खोला गया। पुलिस ने बताया है कि गौरीकुंड की ओर रुके यात्रियों को सुरक्षित तरीके से सोनप्रयाग की ओर भिजवाया जा रहा है। इसी बीच रुद्रप्रयाग प्रशासन ने केदारनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए शाम 5 बजे से सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। ये फैसला प्रशासन ने सोमवार रात सोनप्रयाग लैंडस्लाइडर घटना के बाद लिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई।